कृष्णा, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। कृष्णा, अरे सुनो कृष्णा, श्यामू मुसीबत में है। श्यामू, दामू, अब क्या हुआ? आज कौन सी नई परेशानी है? बाबा ने मुझे चारों गायों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी थी, पर अब चारों की चारों कहीं खो गई हैं। ये श्यामू ना बहुत भुलक्कड़ है। ओहो, तुम उन्हें शायद बरगद के पेड़ के पास भुलाए होंगे। याद है पिछली बार भी हम सब ने हर जगह ढूंढा था, और क्या हुआ, आखिर में हमने गायों को पेड़ से बांधा पाया। वैसा हुआ था क्या? मुझे बिल्कुल याद नहीं, लेकिन मैंने उस पेड़ की जांच की, पर वे वहाँ नहीं थी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो चारों कहाँ गई होंगी। कृष्णा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये श्यामू ना बहुत भुलक्कड़ है। तुम दोनों भी ना क्या क्या करते रहते हो। चलो जाकर ढूंढते हैं। कृष्णा रुको। चलो चलो, हम पहुंच ही रहे हैं। श्यामू, तुमने अपनी गायों को यहीं छोड़ा था। देखो तो, चारों गायों के पैरों के निशान यहाँ हैं। किसी ने तुम्हारी गायों को चुरा लिया है। ओ, तो इसका मतलब श्यामू गायों को भूल नहीं गया था। ओ, पता नहीं कि अच्छी बात है या बुरी। शायद ये किसी की शरारत है। रुको, ये क्या है? मुझे पता है तुम्हारी गायों के साथ क्या हुआ है। सच में श्यामू, तुम्हें रोज ज्यादा माखन खाना चाहिए, तुम्हारी याददाश्त सुधर जाएगी। पता है? क्या पता है? इसे पहचानते हो? मुझे तो सब कुछ ही दोनों जाना पहचाना और अनजाना लगता है। वैसे मैंने इसे पहले भी देखा है। राधा, बेचारे श्यामू को उसकी गायें लौटा दो ना। राधा, क्या कहा? श्यामू याद करो, क्या तुम कुछ करना भूल गए? लगता है कि राधा तुम्हें किसी बात का सबक सिखा रही है। श्यामू मुझे अपने पेड़ से 10 आम देने वाला था। उसने वादा किया था, वो भी 10 दिन पहले। तो जब तक वो अपना वादा पूरा नहीं करेगा, तब तक उसकी गायें मेरे पास रहेंगी। ओ राधा, मुझे माफ कर दो ना, मैं आम के बारे में बिल्कुल भूल गया। जब ताजी फसल आई तब मैंने आम की गिनती शुरू भी की, पर 7 आम के बाद मैं यही भूल गया कि मैं आमों को क्यों गिन रहा था, और फिर मैं खेलने लगा। राधा, बाबा को पता चलने से पहले मुझे बता दो ना कि मेरी गाय कहाँ है, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। राधा। श्यामू, तुम सच में बड़े भुलक्कड़ हो। मैंने तुम्हारी गाय बाबा को लौटा भी दी। क्या? यानी कि चारों गाय कभी खतरे में ही नहीं थी? हाँ, अच्छा तो अब बताओ राधा, क्या हमें भी थोड़े आम मिलेंगे? जरूर, अगर तुम मुझे पकड़ सके तो। अरे मेरे लिए रुको। कृष्णा, तुम इतनी अच्छी बांसुरी कैसे बजा लेते हो? क्योंकि कृष्णा ने सारे सुरों को अच्छे से याद कर रखा है। श्यामू, सब कुछ सिर्फ याद रखने के बारे में नहीं होता,
मुझे यकीन है अगर तुम चाहो तो तुम भी संगीतकार बन सकते हो। कृष्णा मजाक छोड़ो, भले जितनी भी कोशिश कर ले हम में से कोई भी इतना अच्छा संगीत नहीं बजा सकता, खास करके शामू। अरे वो तो बजाते बजाते ही धुन भूल जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलो कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिससे तुम अपना अनोखा संगीत बना सको। हम कहाँ जा रहे हैं? शामू के लिए सही साधन ढूंढने, और कहाँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? इस बांस के साथ शामू के लिए एक बांसुरी बना रहा हूँ। ये लो शामू, इसमें फूंक मार के देखो। मुझे पता नहीं कृष्णा, मैं कोशिश करूंगा। शायद बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं है। कोई बात नहीं, हम ढूंढते रहेंगे। चलो शहर चले। क्या तुम्हें सच में लगता है कि शामू कोई संगीत साधन बजा पाएगा? बेशक, सभी के लिए कोई ना कोई संगीत जरूर है, हमें बस तुम्हारे लिए सही साधन ढूंढना है। उधर बरगद के पेड़ की ओर। कहाँ कृष्णा, मुझे वहाँ कुछ नहीं दिख रहा। चलो दिखाता हूँ, मुझे लगता है कि वो हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा, मेरा दोस्त संगीत सीखना चाहता है, क्या हम आपके साधनों का उपयोग कर सकते हैं? आपको पूछने की जरूरत नहीं है कृष्णा, ये लीजिए, एक तारा से शुरू कीजिए। पता नहीं, मैं कोशिश करूंगा। नहीं ये भी नहीं। ये लो, इसे आजमाओ। हाँ ये आसान लग रहा है, इसे बस हाथ से बजाना है। नहीं कृष्णा, आपके मित्र में ना सुर है ना ताल है, हम और नहीं सुन सकते। अच्छा लगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं। कृष्णा मुझे लगता है मुझे कोशिश करना छोड़ देना चाहिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। अब समझ आया कि मुझे क्या करना है। बाबा क्या मैं ये घंटियों वाली छड़ी रख सकता हूँ? जरूर, इसे लो शामू। बांसुरी के साथ तुम अपनी घंटियाँ बजाओ, मेरे सुर से सुर और ताल से ताल मिलाओ। तो शुरू करें? कोशिश कर सकता हूँ। मुझे यकीन है अब तुम कर पाओगे। राधा, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ है कृष्णा, मुझे उससे बात करनी है। कृष्णा, राधा आई है, जल्दी आओ, कुछ बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ राधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कल रात मैंने एक अजीब सी रोने की आवाज सुनी, मेरी आंख अचानक से खुली। मैं उठकर सोचने लगी कि क्या मैंने आवाज सपने में तो नहीं सुनी, और तभी अचानक वही आवाज दोबारा आई। मुझे बाहर जाना ही पड़ा। बाहर मुझे ये चूजा मिला, डरा हुआ, अकेला। ये शायद अपने घोंसले से गिर के गुम हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। राधा, ये एक उल्लू का बच्चा है, हम दिन में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये रात को ही दिखते हैं।
इसकी माँ इसे ढूंढ रही होगी। हम आज रात को इसका घर ढूंढ के इसे अपनी माँ से मिला देंगे। पर इसका घोंसला हमें मिलेगा कैसे? मुझे सोचने दो। पर आओ, हम इस चूजे को तुम्हारे घर ले जाते हैं। इसका घोंसला तुम्हारे घर के आसपास ही होना चाहिए। ये छोटा सा चूजा बहुत दूर तक नहीं उड़ा होगा। ठीक है, काश तुम्हारी बात सही हो। रात के सब जीव अब जागने लगे हैं। हमें ध्यान से सुनना होगा। उल्लू भी उठने लगेंगे। देखो, ये चूजा भी जाग रहा है। ओ ले ले ले, मेरे छोटे से चूजे, हम तुम्हारा घर ढूंढ रहे हैं। तुम घबराओ नहीं। ये तुमसे सहमत है। हो सकता है। सुनो, क्या वो इसकी माँ हो सकती है? चलो पता करें। आओ यहाँ से, उस तरफ, उस झाड़ के पीछे। अरे, ये थोड़ी ना कोई उल्लू है। शामू दामू, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? राधा, तुम इस उल्लू को डरा दोगे। वैसे तुम दोनों इस वक्त बाहर क्या कर रहे हो? शामू ये बीज बोना चाहता था, पर उसने कहा कि सूरज के ढलने पर ही ये बोएंगे। मुझे शायद माँ ने ऐसा ही बोला था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। हम ये बीज मिट्टी में फूंक मारकर बो रहे थे। कृष्णा, तुमने उल्लू कहा था ना? कौन सा उल्लू? ये उल्लू। राधा, इन्हें दिखाओ। ये छोटा सा चूजा अपने घोंसले से शायद गिर गया है। हम इसका घर ढूंढ रहे हैं। ये एक उल्लू की आवाज है, शायद इस चूजे का परिवार हो। यहाँ एक पेड़ है जिस पर बहुत सारे उल्लू के घोंसले हैं। आओ हम देखते हैं। ये कूदना चाहता है। मुझे लगता है कि हम पास है। हमें पेड़ पर इसका घोंसला ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उल्लू नीचे नहीं आ रहे। क्या यहाँ है तुम्हारा घर? हाँ? चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। रुक जाओ राधा, रुको। कृष्णा, मुझे लगता है कि घोंसला पास में ही है। यहाँ देखो। धन्यवाद कृष्णा, तुमने इसका घर ढूंढने में मेरी मदद की। तुम्हें ज्यादा मदद की जरूरत नहीं थी, पर मुझे खुशी है कि हमने मिलकर इसका घोंसला ढूंढ लिया। अब इससे पहले कि घर पर सब परेशान हो जाए, हमें वापस चलना चाहिए। हाँ? तेज और तेज भागो, जो आखिरी पहुँचेगा उसे सबके लिए माखन के 5 मटके लाने होंगे। तुम बहुत तेज हो कृष्णा, रुको। ओ मेरी बकरी, मेरी बेचारी बकरी, अब मैं क्या करूँगा? ओ, पता करते हैं कि क्या हुआ। कृष्णा, पहाड़ों के बड़े गिद्ध मेरी बकरी को उठा ले गए। अब मेरे पास सिर्फ 2 बकरियां बची हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये बताओ, तुम्हारी बकरियां कहाँ चल रही थी? बड़े बरगद के पेड़ के पास, यमुना के बगल में। अच्छा, हम तो रोज वही खेलने जाते हैं। हम रोज क्या? बस उम्मीद है कि इस गिद्ध से कभी हमारा पाला ना पड़े। तो बताओ, क्या योजना है तुम्हारी? योजना? कौन सी योजना? हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। चलो चलो खेलते हैं। ये लो गेंद, दामू पकड़ो। दामू संभल के। मैं आ रहा हूँ दामू। दामू, दामू, यहाँ देखो।
कृष्णा, तुम आ गए, अब तो मैं बच जाऊंगा। गिद्ध तुम्हें सुन लेंगे। अच्छा अच्छा, हम अब क्या करें, यहाँ से कैसे निकले? वहाँ वहाँ पर तुम कुछ बकरियों को साथ ले जाओ, जल्दी। हुर हुर, आओ आओ, इधर आओ। अब बस देखते जाओ। कृष्णा, तुमने कर दिखाया, बच गए, हम बच गए। जल्दी जल्दी करो दामू, हमें उनके वापस आने से पहले निकलना होगा। चलो इन बकरियों को वापस ले चलते हैं, वो छोटा लड़का इनका इंतजार कर रहा होगा। कृष्णा, क्या तुमने जानबूझकर मुझे उस गिद्ध से उठवाया ताकि तुम उस लड़के की मदद कर सको? चलो चले दामू, देर हो रही है। कृष्णा, मैं हम अरे श्यामू, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है। अरे कृष्णा, मेरे ख्याल में जो मैं कहना चाहता था वो माखन के बारे में था, पर अब मुझे याद नहीं है। सोचो श्यामू, सोचो, कोशिश तो करो। क्या फायदा, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। दामू और सुदामा आते ही होंगे, वो मेरे पीछे ही थे, उन्हें जरूर याद होगा। क्या तुम्हें श्यामू ने बताया, मुंजल जो मक्खन का व्यापार करते हैं वापस आ गए हैं, क्या तुम्हें याद है वो? देखा, मैंने कहा था ना कि माखन के बारे में ही कुछ बात थी। हाँ मुझे याद है, उसकी सारी गायों को हमने 5 दिन तक खिलाया पिलाया था, और उसने हमसे वादा किया था कि वो हमें माखन के 5 मटके भर के देगा। अब उनका वादा निभाने का समय आ गया है। सुनो, मुझे वो मुंजल पसंद नहीं है। कृष्णा, तुम कोई शरारत मत करना, समझ गए? कभी नहीं माँ, हम वही लेंगे जो हक से हमारा है। जबरदस्ती नहीं, हम प्यार से मांगेंगे। आओ हम जाकर माखन ले आते हैं। आओ कृष्णा आओ, मैंने तुम्हारे माखन से भरे मटके तैयार रखे हैं। हाँ हम वही लेने आए हैं। ये लो, वादे के अनुसार 5 मटके मेरे स्वादिष्ट माखन के। ये है 5 मटके, ये तो आपकी हथेली से भी छोटे हैं, सबको मिलाकर भी 1 मटका नहीं भरेगा। अरे कृष्णा, अब लालच मत करो, मैंने तुम्हें मटकों का आकार तो नहीं बताया था ना। अब जाओ, मुझे बहुत काम है। बेशक, आपने इसी का तो वादा किया था, आप कितने दयालु हैं, धन्यवाद। अरे ये जगह तो खाली है, कहाँ है उनके मक्खन के दोने? मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, वो मक्खन से लदी हुई गाड़ियों की खुशबू तो कुछ और ही थी। मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मुंजल माखन ऐसे ही इधर उधर नहीं रखेंगे, तुम तीनों ठीक से नहीं देख रहे, ऊपर देखो। ओह, अब हम इतनी ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे? सुदामा, मुझे माखन से कोई भी दूर नहीं रख सकता। तैयार हो जाओ, ये माखन तुम्हारे लिए है। ये मक्खन तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह, क्या मजेदार मक्खन है। मुंजल कंजूस भले ही है, पर माखन सबसे उम्दा बनाते हैं। शाबू, शाबू गेंद उठाओ। गेंद? कौन सी गेंद? हाँ?
हमेशा तुम ही जीतते हो। अब क्या करें, हम है ही इतने अच्छे। ये लो पकड़ो, अब तुम्हारी बारी। कृष्णा, कृष्णा जल्दी आओ, मदद करो। कृष्णा, क्या हुआ सुदामा? जूना काकी के बेटे की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक उपाय है, एक अनोखा पौधा जो सिर्फ झील में मिलेगा। ओह, तो बताओ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अगर बात सिर्फ उस पौधे की है तो उन्हें उसे तुरंत ले आना चाहिए। अगर ये इतना आसान होता तो क्या मैं कृष्णा से मदद मांगता? उस झील में जाना बहुत खतरनाक है, वहाँ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता है। खुद वैद्य जी भी नहीं जाना चाहते वहाँ। मैं पिछले कुछ दिनों से जूना काकी के साथ ही हूँ और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। कृष्णा, हमें क्या करना चाहिए? मुझे उस झील पर ले चलो। हाँ, मैं ले चलता हूँ। चलो। क्या वो पौधा यही है? वैद्य जी ने कहा था कि वो झील के बीचों बीच उसके तल पर उगता है, मोटी घास की तरह दिखता है और गुच्छों में उगता है। पर सुदामा, झील तो शांत लग रही है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो बड़ा मगरमच्छ यही रहता है? शायद वो सो रहा होगा। तो फिर पौधे को निकालने का यही सही मौका है। अरे कृष्णा, वापस आओ! दामू शामू, अब सिर्फ उम्मीद करो कि मगरमच्छ सोया हो। अच्छा, तो तुम जाग रहे हो। अगर बुरा ना मानो तो मैं इनमें से कुछ गुच्छे लेकर चला जाऊंगा। आज तक कोई भी मेरी झील से बचकर नहीं निकला। जो भी यहाँ आया वो बन गया मेरा ताजा खाना। माफ करना, पर आज नहीं। कोशिश करना बेकार है, इतनी मेहनत मत करो। छोटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत। आओ मगरमच्छ, अब तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अब तो मैं तुम्हें खा कर ही रहूंगा। चलता हूँ, एक बीमार बच्चे को इनकी जरूरत है। अब तुरंत जाकर ये वैद्य जी को दे आओ। जूना काकी का बेटा अब जल्द ही ठीक हो जाएगा। कृष्णा, तुम हमेशा सबकी परेशानियाँ सुलझा देते हो।